इतना आलसी बच्चा मुझे लग रहा है पैदा होने वाला है मेरे। सीरियसली मेरी डूडू के टाइम पे वो सो एक्टिव है। करी मम्मी हम भी चल रहे हैं फिर यहाँ से। मैं इतनी परेशान थी पिछले 3-4 दिनों से अपने हेडेक को लेके। मुझे कॉन्टिन्यूस हेडेक था 5-6 दिन से लगातार बिना रुके। सोते उठते ही सर में दर्द, सोने से पहले सर में दर्द, कुछ खा रही हूँ सर में दर्द, कुछ नहीं खा रही हूँ तो भी सर में दर्द। मैंने फाइनली डॉक्टर को कॉल किया। पहले मुझे लगा शायद बीपी की वजह से, बट बीपी वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, खा भी ठीक रही थी, मतलब इतना कम भी नहीं खा रही। फिर देने कॉल्ड माई डॉक्टर, इतनी टेंशन हो गई थी, मैंने उनसे पूछा, देन शी वॉज लाइक कि ORS पी के देखो, मे भी काम कर जाए, अगर नहीं किया तो कल आ जाना दिखाने। यार ORS मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ORS ना हुआ कुछ और हो गया। प्रिया का वे भी किक नहीं कर रहा था, प्रिया बेचारी इतनी परेशान 24 घंटे, उसने किक किया ORS पी के। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो ORS पी लो। मुझे लगता है प्रेगनेंसी में तुम और कुछ खाओ पियो ना सही, लेकिन ORS पी लो, हर बीमारी का इलाज वही है। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, आज थोड़ा मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था, जग जल्दी गई थी लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा पाया क्योंकि छाया को फीवर था, डीवी को बैक पेन था, रूरू जग गई थी, मैं जग गई थी, मम्मी जग गई थी। मैंने बोला अब दो लोग क्या जाएंगे, तो मैं फिर अपना काम करने में लग गई, मम्मी अपना काम करने में लग गई। अभी तो मैं शूटिंग कर रही हूँ, उसके बाद आज दिन भर बहुत सारा काम है। और खाने में मतलब पता नहीं यार, पिछली बार ना बहुत अच्छा अच्छा लगता था, अच्छा अच्छा खाने का मन करता था, इस बार ही तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता। आलसी सी बॉडी हो गई है, दुखती रहती है, थकान होती रहती है। मैंने आप लोग को बताया भी, आई थिंक पिछले ब्लॉग में, कि अतः थकान होती है, इतना आलसी बच्चा मुझे लग रहा है पैदा होने वाला है मेरे। सीरियसली मेरी डूडू के टाइम पे वो सो एक्टिव है, और इस बार तो मेरी बैंड बजी पड़ी है। बट कोई नहीं, चलो दाल चावल बनाएंगे, मस्त दाल चावल देसी खाना खाएंगे। और मतलब मुझे तो लगता है चावल के बिना मेरा जीवन क्या ही होगा, भगवान ना करे गलती से अगर मुझे कभी डायबिटीज़ हो गया ना, मैं चावल के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं गलती वैसे ही बोल रही थी, मैंने कहा यार मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ पर चावल नहीं छोड़ सकती। तो अभी अनार खा लेते हैं। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे आप आजकल खाने में क्या खा रही हैं। मैं सुबह 2 अंजीर लेती हूँ, उसके अलावा 6 बादाम, 2 अखरोट, यही मेरा प्रोसीजर है। और मैं मम्मी के लिए भी अखरोट भिगोती हूँ, उसमें बादाम भी, क्योंकि उन्हें भी डॉक्टर ने बोला अखरोट वगैरह खाने के लिए। बाकी अभी मैं अनार खा रही हूँ, मम्मी ने ऑलरेडी छील के रख दिया। पता है घर में मम्मी होती है ना तो ये फायदा होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मटर छीलना, अनार छील के रख देना वो कर देती हैं, तो खाया जाता है, वरना रखा रहता है। हम लोग इतने बिजी रहते हैं काम करने में, खाना बनाने में, वही काम हो जाए पहले। बट अभी चलो अनार खाते हैं। और मम्मी कल जा रही है वैसे, तो माता श्री जाएंगी कल शादी में। अब उन्होंने पूरा प्लान बनाया 10 दिन का, मैंने बोला बाकी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन पता क्या होता है, आई थिंक इस बात से आप रिलेट कर पाओगे, जब मम्मी घर पे नहीं होती ना तो घर ऐसा लगता है वीराना सा, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, घर से बाहर चले जाओ कहीं, घर में मत आओ, खाली खाली सा, और घर घर जैसा नहीं लगता। मुझे बताओ ऐसा, मुझे लगता है ऐसा होता है। पानी, हल्दी, नमक और ढक्कन। ऐ 12 बज गए, धनिया का पानी पियो, उठो देवी, आरटीओ जाना है, उठो। सोने का मन नहीं करता, फिर उठने का मन नहीं करता। अब ट्रेन फिर करा दे दोबारा दे। मम्मी के साथ धोखा हो गया है आज। अरे 3 महीना तो चेता निकल रहा है, हर बार रह जाती हूँ, कभी ट्रेन दे, कभी गाड़ी दे, कभी ट्रेन दे, कभी गाड़ी दे। कल की आज की टिकट ही नहीं लगा, कल की टिकट इन्होंने किसी को दिखाई भी नहीं, अब दिखा रही है ट्रेन निकल गई है। ट्रेन निकल गई, 10 मिनट पहले ही निकल गई है, पता है अभी गाजियाबाद ना पहुंची, 11:30 बजे ना, और 20 मिनट लेट है। मम्मी का योग नहीं है अब के जाने का, आगरा मम्मी आगरा नहीं जा पाएंगी। मुझे अब आगे देखने में पूरी इतने पहले फोन कर दे, सही बड़े दिमाग खराब है भाई। तो अभी हम लोग आए, दिवेश को एक काम था यहाँ पे, उसको अपने आधार कार्ड की कॉपी निकलवानी है, हम लोग RTO जा रहे हैं बेसिकली। और आज 12:36 पे मेरे सारे काम खत्म हो गए, मैंने लिटरली सोचो खाना भी खा लिया है पर मुझे फिर भी भूख लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा ऐसे थक जाती हूँ थोड़ी देर कैमरा पकड़ के, ऐसे थोड़ी देर में भूख लगती रहती है, अलग ही टाइप के सिम्टम है यार, कुछ नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही अलग फील हो रहा है मुझे, ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है मेरा। प्रेगनेंसी का पहले वाला बहुत अलग था, ये काफ़ी डिफरेंट है। अभी हम लोग RTO जा रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट काम से, वो करते हैं फिर देखते हैं, कुछ भूख लगी तो खा लेंगे। डीवी वापस आ रहा है फिर से, मुझे लगता है शायद शॉप पे कोई है नहीं, पर मैं पहले भी गई हूँ तब भी इस पे कोई नहीं था। नहीं है कोई यहाँ पे है? कोई है नहीं यहाँ पे, नहीं जो बंदा है वो शाम को आता है। हाँ मैं भी एक दिन गई थी, यही हुआ था सेम मेरे साथ, मुझे लग ही रहा था। ये उस नॉर्मल प्रिंट तो निकाल के दे देगा, वो नहीं निकाल पाएगा, बना के नहीं देता। चलो तो ट्राई कर रहा हूँ, एक अगर ना बड़ा चिक्का है।
सहे बिंडा बिंडा आराम से लग जाएगी। ये मेरा बेबी बेबी मेरा बेबी है, मामा का बेबी है। नहीं बेबी नहीं, रूरू का बेबी है। पिया पिया अरे चलो यार चलो बेबी है। चलो चलो पापा 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 pop 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 आ गई रूरू। तो अभी भाई एक्सरसाइज करके आ चुके हैं और अभी पिया जाएगा नारियल पानी। तो मैं भी थोड़ा सा जल्दी पीना शुरू कर दिया मैंने, भी लगभग ब्रेकफास्ट 9 बजे थोड़ा फास्टिंग का थोड़ा टाइम टेबल सही करूँगा कि शाम को 6 बजे का कुछ ना खाओ, 6 बजे का कुछ ना खाओ और सुबह 9 बजे खा लो। आज लीटर लेट हम दूंगी मैं, आज तो मैं जाके रहूंगी। आज तो पहले 10 मिनट पर 12 घंटे है ना, पहले पहुंच जाऊंगी। आधा घंटा है मम्मी, अभी आधा घंटे पहले क्या करोगे जाके? अरे ट्रेन देख लियो। ट्रेन देखेंगे और रूरू ट्रेन देखेंगे। रूरू के बाल देख, रूरू ने दूसरी नींद मार लिया। हालत देख रूरू ने भाई, इतना ट्रेन देखूंगी। तो अभी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, पर उससे पहले एक उसमें एड ब्लू डाल लेते हैं। इसमें क्या है एड ब्लू, जब इसकी सर्विस हुई तो मैंने डलवाया नहीं था क्योंकि इसमें बीच में थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, तो अभी जो है इसमें डाल दे। इसमें नहीं डाला शायद, वो हमने फॉर्च्यून में डाला था ना, इसमें तो अभी तक डला ही नहीं है। अब 20% बचा है इसमें, तो 20% नहीं आके क्यों, अभी डाल के लेके चलेंगे करेंगे। हाँ इसमें ये अच्छी बात है, यहीं से डल जाता है, नहीं तो फॉर्च्यूनर वगैरह का उनका आगे से डलता। गाड़ी को पानी पिलाया जा रहा है। पहले हमारे घर की सभी एक के बाद खाना पीने का सब पता रहती है। हाँ। अभी जैसे छूट गई, हमने पता नहीं चल पा रहा ना। कैसे थे जो करते भैया, आपने अपना ओल्ड मोबाइल किसको दिया है पता नहीं चल रहा है ना, आप अपने डेली ब्लॉग डाला करो हमें पता चले। सारी अपडेट चाहिए भाई। तो अभी भाई इसमें हो गया 34%, तो हम पे इतना ही बचा हुआ था, बाकी अब जो है शोरूम से ले लेंगे या फिर कहीं से खरीद लेंगे जब डाल लेंगे। 34% मुझे लगता है बड़े आराम से ये 4-5 करोड़ चली जाएगी। और ये ले भाई, तुमने भी निकाल दे तुम्हारे वो पैकेज निकाल दिए। अरे यार निकाले नहीं, जाओ जाओ। बाय कर दो, बाय बाय दादी, चलो बाय 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 दादी। दादी जा रही हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नहीं जाओ दादी नहीं जाओ, बुला लो आ जाओ, ये तो आ जाओ या मुझे लेके चलो। चलो चले कैसा लग रहा है दादी गई हैं? अच्छा नहीं लग रहा। मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा, रूस को तो अच्छा लग रहा। मम्मा को कैसा लग रहा है? मम्मा को ऐसा लगता है कोई क्यों जा रहा है, और फिर अब घर ऐसा लगता है वीराना भी खाली खाली सा, एक भी इंसान चला ऐसा लगता है हम भी चल रहे हैं। करी मम्मी हम भी चल रहे हैं फिर यहाँ से। हाँ यार वो जब तक गई भी नहीं थी, स्टेशन पे ही खड़ी थी। अजीब लगता है कोई जा रहा होता है तो। अब हम क्या करें घर में, टक्कर मारें
जबकि ऐसी बात है यहाँ पे काम बहुत है पर फिर भी मन ही नहीं लगता। जूस 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 वाला है नहीं, जूस वाला है नहीं, पता नहीं कहाँ है। कोई भी जूस वाला नहीं था, तीन जूस वाले, तीनों में से कोई भी दुकान नहीं खोल रखी किसी ने भी। आज कुछ है क्या भाई? पता नहीं यार, आज तो क्या ही। चलो घर जाके, घर जाके खाना वाना खाएंगे फिर देखेंगे, अंदर शहर में चलेंगे जूस पिलाने तुम्हें, ठीक है? पहले खाना खा लो। ओके ओके।